नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर हम इस प्रकार की विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन किस प्रकार से ड्रॉ करें। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम हमारे विजिटिंग कार्ड को शिफ्ट के साथ छोटा कर लेते हैं और इसको हम सेट करते इस साइड में ऐसे। देन अब लेंगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल, इस प्रकार से। रेक्टेंगल लेने के बाद अब हम बनाएंगे विजिटिंग कार्ड। सबसे पहले उसके लिए लेंगे हम एक रेक्टेंगल जिसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे ऐसे। इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम स्मार्ट फिल टूल और इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको कर देंगे हम ब्लैक कलर, इस प्रकार से। इस प्रकार से ब्लैक कलर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अब जो ये वाला शेप है इसको कलर करेंगे हम। यहाँ से ड्रॉप टूल लेंगे, इस वाले टूल को पिक करके यहाँ पे फिल कर देंगे ऐसे। फिल करने के बाद अब हम लेंगे फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से इस साइड से इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे और इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद स्मार्ट फिल से इस पर हमें कलर फिल करना है, तो सेम कलर हम यहाँ से फिल करके यहाँ पर मर्ज कर देंगे और दोनों शेप को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम कर देंगे वेल्ड। तो इस प्रकार से शेप हमारी बन जाएगी। शेप बनने के बाद फिर से हमें फ्रंट हैंड टूल यूज़ करना है और इस वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन इस लाइन पे ड्रॉ करना है और यहाँ से स्मार्ट फिल के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे कलर फिल करना है। इस वाले कलर को यहाँ पे फिल करके कलर फिल कर देना है। कलर फिल करने के बाद यहाँ से लेना है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से इस वाले पॉइंट पे शेप ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। देन सेम हमें स्मार्ट फिल लेना है और इस जगह को कलर फिल करना है और ड्रॉप टूल से इसके कलर को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इस प्रकार से शेप को बनाने के बाद तो यहाँ से लेंगे फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से सेम हमें इस प्रकार से शेप को ड्रॉ करना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ऐसे। ऑप्शन यूज़ करेंगे। देन फ्री हैंड टूल से इस साइड से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से लेंगे स्मार्ट फिल का ऑप्शन और यहाँ पे कलर फिल कर देंगे। स्मार्ट फिल के ऑप्शन से इस वाले शेप को क्लिक करेंगे। ड्रॉप टूल से हमें कलर फिल करना है और यहाँ पे कलर फिल कर देंगे। सेम हमें इस ग्रे वाले कलर को भी कॉपी करके इसमें फिल कर देना है। दोनों शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से हम कर देंगे वेल्ड, तो ये वन शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। देन अब इसके अंदर हम लोगो सेट करते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर लेंगे, कंट्रोल के साथ स्क्वायर को ड्रॉ करना है और इसके अंदर कलर फिल कर देंगे ये वाला। शेप टूल लेके इसके जो पॉइंट है इसको हल्का सा कर्व करेंगे। कर्व करने के बाद इसको इस प्रकार से रोटेट करना है और इसको शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ी सी बड़ी कर देंगे। कंट्रोल आई करके हमें सिग्मा वाली लोगो लानी है, तो हमने इसको सेव करके रखी है पहले से ही। इस प्रकार से इसको इम्पोर्ट कर देंगे। शिफ्ट के साथ इसको छोटा करना है और इसको इसके अंदर सेट कर देंगे ऐसे। इसको इसके अंदर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब लेंगे यहाँ से टेक्स्ट टूल, तो यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको कर देंगे हम वाइट कलर। इसको कर देंगे हम ग्रे कलर। दोनों शेप को शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे ऐसे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ से लेंगे टेक्स्ट टूल और यहाँ पे विजिटिंग कार्ड के नाम लिखेंगे। यहाँ पे
आपको वाइट फिल कर देना है। हम अपने चैनल का नाम लिखते थे कंप्यूटर। और इस वाले शेप को सिलेक्ट करके इसको हम ग्रे कलर कर देंगे। मैंने इस वाले शेप को सिलेक्ट करके इसको लाइट ग्रे कर देंगे ऐसे। शिफ्ट के साथ शेप को हमें छोटा करना है। टेक्स्ट को इस प्रकार से हमें सेट करना है यहाँ पे। सेट करने के बाद यहाँ पे हमें इस प्रकार की लोगो लानी है। तो लोगो पहले से डाउनलोड करके हमें रख रखी है। डेस्कटॉप से हम इस लोगो को सर्च करते हैं। इसको इंपोर्ट कर देते हैं और शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर देते हैं ऐसे। सेट करने के बाद यहाँ पे लेंगे सर्कल। कंट्रोल के साथ सर्कल को ड्रॉ करना है हमें ऐसे। ड्रॉ करने के बाद सेम हमें ये वाले कलर को इसके अंदर फिल कर देंगे। शेप को कंट्रोल पेस्ट डाउन कर देंगे ऐसे। तो शेप हमारी ऐसे बन जाएगी। दोनों शेप को सिलेक्ट करना है, कॉपी पेस्ट करके नीचे के डायरेक्शन में रखना है। फ़ोन के लोगों को डिलीट कर देंगे यहाँ पे। होम के लोगों को हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। यहाँ से इम्पोर्ट करके इसी के अंदर सेट कर देंगे ऐसे। देन दोनों शेप को सिलेक्ट करके ये सी करना है। नेक्स्ट शेप को कॉपी पेस्ट करके नीचे के डायरेक्शन में रखेंगे ऐसे। और होम को डिलीट कर देंगे। कंट्रोल आई से इंपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर सेट कर देंगे। शिफ्ट के साथ इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं और दोनों शेप को सिलेक्ट करके ई एस सी कर देंगे। तो ये सेंटर में सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद यहाँ से टेक्स्ट टूल से यहाँ पे टेक्स्ट टूल से हमें यहाँ पे टाइप करना है योर फोन नंबर और इसको सिलेक्ट करके वाइट फिल कर देंगे। शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटी कर देंगे ऐसे। सेट कर देंगे। देन टाइप करना है हमें। यहाँ पे एड्रेस हम टाइप कर देंगे और इसको वाइट फिल कर देते हैं ऐसे। प्रकार से टाइप करके इसको भी वाइट कलर फिल कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी विजिटिंग कार्ड रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।